हाई एवरी वन दिस इज मोहम्मद जियाउद्दीन विथ यू वेलकम्स यू ऑन माई यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इट्स इजी पे गाइज टूडे वी आर गोइंग टू लर्न सम वर्ड्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस सम वर्ड्स एंड फ्रेजिज ऑल्सो सो लेट्स स्टार्ट नाउ द फर्स्ट वर्ड इज़ कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन यानी कि करोना वायरस डिजीज टू थाउजेंड नाइनटीन जो इसका पूरा नाम है एंड यू नो गाईज़ द फर्स्ट केस ऑफ करोना वायरस डिजीज़ वॉज़ आइडेंटिफाइड इन वुहान चाइना इन दिसंबर 2019 और तब से ये कंटिन्यूसली पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में फैलता ही जा रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों को इफेक्ट इन्फेक्टेड कर चुका है द सेकेंड वर्ड इज़ इम्यून सिस्टम जिसे हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा कहा जा सकता है दीज आर द फूड्स विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम नेक्स्ट वर्ड इज़ मास्क मास्क बेसिकली वी यूज टू बेसिकली वी यूज टू अवॉइड इन्फेक्शन वाइल uh, interacting विद अदर पीपल नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटाइजर जिसे परछालक कहते हैं हिंदी में और ये जेल लिक्विड या फोम के रूप में हो सकता है एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू डिक्रीज़ द इन्फेक्शन नेक्स्ट वर्ड इज़ आउटब्रेक आउटब्रेक किसी भी डिजीज़ uh, के सडन हाइक को कहते हैं जो बड़े पैमाने पर फैलने लगे एंड नेक्स्ट इज ऐपिडेमिक जिसे हिंदी में महामारी कहा जाता है जब कोई डिजीज़ आउटब्रेक होकर Uh, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड करने लगता है तो उसे एपिडेमिक और पेंडेमिक जस्ट इसी का बड़ा रूप है जो कि वैश्विक हो सकता है विश्वव्यापी हो सकता है बड़े पैमाने पर लोगों को इन्फेक्टेड करे पूरे वर्ल्ड में दैट इज़ कॉल्ड पेंडेमिक इनक्यूबेशन पीरियड किसी भी इंडिविजुअल के वायरस कॉन्टैक्ट में आने से लेकर सिम्टम्स स्टार्ट होने तक के पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है ये चौदह दिनों तक का हो सकता है नेक्स्ट वर्ड इज सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि अवॉइडेंस ऑफ टुगेदरनेस टूगेदरस ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल ये कोरोना वायरस चैन को ब्रेक करने में बहुत ही हेल्पफुल है सेल्फ क्वारंतीन यानी कि स्पर्श वर्जन किसी भी सस्पिशियस इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड हो सकता है को खुद को दूसरे लोगों से अलग कर लेना सेल्फ कहलाता है कहलाते चौदह दिनों का होता है नेक्स्ट इज आइसोलेशन किसी भी इंफेक्टेड व्यक्ति को पॉपुलेशन से अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है और जहाँ रखा जाता है उसे आइसोलेशन वार्ड कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज़ द प्रोसेस किसी भी इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड है के संपर्क में आए लोगों को आइडेंटिफाई करना उनको ढूंढना ताकि किसी भी कंटेजियस डिजीज़ को फैलने से रोका जा सके कम्युनिटी स्प्रीड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन सामूहिक फैलाव ये एक ऐसा कंडीशन है जब कोई कंटेजियस डिजीज़ किसी ऐसे इंडिविजुअल को हो जाए जो किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में भी ना आया हो नेक्स्ट इज पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दिस इज बेसिकली बीइंग यूज्ड बाय हॉस्पिटल स्टाफ डॉक्टर्स नर्सेज हु इज फाइटिंग विद कोरोना एंड रैपिड टेस्टिंग किट इट्स अ मेडिकल किट जिसे कोरोना टेस्टिंग में यूज किया जाता है ये रैपिडली रिजल्ट देता है विद इन टेन मिनट इट कैन गिव रिजल्ट प्लाज्मा थेरेपी में रिकवर्ड uh, पेशेंट्स के डोनेटेड ब्लड को अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है ताकि वो भी रिकवर कर सकें सकेंटी रेट यानी कि मृत्यु दर किसी भी डिजीज़ के थ्रू जितने लोग डेथ किए हैं उनका और जितने कंफर्म केसेस हैं इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं और अंत में मैं अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता हूं थैंक यू कहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घर पे ही रहें हेल्दी रहें Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for continuous learning. Thank you.